5C कठिन आकलन। देखिए इसमें उच्च घाती आकलन ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए y है, इसमें एक बार आप d बाई डी एक्स लिखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, लेकिन ये एक बार आकलन हो गया, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स लिखा है तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। अब इस dy वाई बाई डी एक्स का आकलन करेंगे, जैसे कि ये dy वाई बाई डी एक्स है, इसका आकलन करेंगे मतलब सामने में dy वाई डी एक्स लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, dy वाई बाई डी एक्स से बड़ा है, इसको आप लिख सकते हैं y2। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आकलन करेंगे इसका आकलन करेंगे ये हो जाएगा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो इसको आप वाई थ्री लिख सकते हैं, तो ये इससे भी बड़ा है। तो ये क्या है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स से बड़ा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से बड़ा कौन है, डी क्यूब वाई बटा डी एक्स क्यूब। जैसे कि ये 5C.1 में एक सवाल है, 5C.1 में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। प्रश्न दिया है y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसको देखिए डी स्क्वायर लिखा है मतलब आपको दो बार आकलन करना है, डी घात तीन लिखा है मतलब तीन बार आकलन करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, दो बार आकलन करना पड़ेगा। तो जैसे ये y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, तो x के सापेक्ष आकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करें डी बाई डी एक्स लिखेंगे, इसके भी सामने क्या लिखना है, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से इसको क्या मानना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी को टी मानना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी टी साइन टी, फिर लिखेंगे d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। तो साइन t का क्या होता है, cos t होता है, साइन t का आकलन cos t, ए एक्स प्लस बी में क्या होगा, a अलग हो जाएगा, x का आकलन एक हो जाएगा और b का आकलन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से cos t बचा मतलब ये हो गया, a अलग हो जाएगा, कॉस टी का क्या होगा, कॉस टी का मान रखेंगे ए एक्स प्लस बी, और इसमें जो ए बचा उसको सामने में लिख देंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स का मान हो गया, क्योंकि इसमें हमको क्या करना है, दो बार आकलन करना है, तो एक बार पुनः आकलन करेंगे, अब इसका आकलन करेंगे, तो फिर लिखना है एक्स के सापेक्ष पुनः आकलन। फिर से आकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स, फिर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर ए को अलग करना है, डी वाई डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका आकलन करना है डी वाई बाई डी एक्स का, क्लियर। अब ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, और फिर से अब यहाँ एक्स प्लस बी को टी माने हैं, तो यही से फिर से ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ए पहले से है, फिर से ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी को टी डी बाई डी टी कॉस टी,
और डी बाई डी एक्स एक्स प्लस बी। कॉस को कॉस रहे, कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन होता है। फिर से इसमें क्या होगा, एक्स का एक हो जाएगा, इसमें फिर से ए बचेगा, ए और ए का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन टी का मान क्या है, एक्स प्लस बी। ये क्या है, इसका उत्तर है। तो ऐसे आपको याद रखना है। प्रश्न तीसरा है, वाई बराबर ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई बराबर जीरो। ध्यान देना है, इस प्रश्नावली से सिद्ध करने के लिए एक सवाल आता ही है। तो देखिए इस सवाल को, अब इसमें सिद्ध कीजिए में आपको देखना है कि कितने बार अवकलन करने। तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इससे आपको पता चल जाएगा इसको दो बार अवकलन करने। अगर d घात तीन रहता तो तीन बार अवकलन करते, अगर केवल dy by dx रहता तो एक बार अवकलन करते। तो ये जो प्रश्न है इसको आपको दो बार अवकलन करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, तब ये हो जाएगा, इसको आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा आपका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ए डी वाई डी एक्स साइन एम एक्स प्लस बी डी वाई डी एक्स कॉस एम एक्स। इसमें रखना है ये ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स में। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, जो एम एक्स है उसको क्या मानना पड़ेगा, टी दोनों के लिए। तब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया ए डी बाई डी टी साइन टी और डी बाई डी एक्स एम एक्स प्लस बी, इसको वैसे करना है डी बाई डी टी cos t और d by dx mx। तो sin का अवकलन क्या होता है, cos, ये हो जाएगा a cos t। देखिए इसमें mx में क्या हो जाएगा, m अलग हो जाएगा, x का अवकलन एक, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ m। फिर यहाँ पर देखिए cos का अवकलन होता है माइनस साइन, और इसमें भी एम एक्स में एम बचेगा, तब ये हो जाएगा यहाँ प्लस बी है माइनस साइन टी, और इसमें भी क्या बच जाएगा एम। तो कितना हो गया, ए एम कॉस टी का मान फिर से रख देंगे एम एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बी एम साइन टी का मान एम एक्स। ये किसका मान हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का मान हो गया। अब इसको पुनः अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः अब इसको अवकलन करना है आपको dy by dx को, इसको तब ये हो जाएगा d by dx dy by dx। यहाँ a m अलग हो जाएगा, d by dx cos mx, फिर है माइनस बी एम d by dx sin mx, ये इसका करना है। तो फिर से वैसे हो जाएगा, mx को t मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसका आपका हो जाएगा
डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर ए एम वैसा ही रहेगा, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन एम एक्स और फिर एम एक्स का अवकलन करेंगे तो एम बचेगा, फिर माइनस बी एम हो गया, साइन का अवकलन होता है कॉस एम एक्स और एम एक्स का अवकलन करेंगे सिर्फ एम बचेगा। अब बार बार आपको टी यू वी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको समझ आएगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ एम है और यहाँ एम है तो गुणा करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा, वैसे भी इसमें भी एम है इसमें भी एम है तो ये हो जाएगा माइनस भी है तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए एम स्क्वायर साइन एम एक्स। फिर यहाँ पर देखिए इसमें भी माइनस बी एम स्क्वायर कॉस एम एक्स, माइनस बी एम स्क्वायर कॉस एम एक्स। अब दोनों में देखिए माइनस एम स्क्वायर कॉमन है दोनों में, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखेंगे दोनों में एम स्क्वायर कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल देंगे, ये हो गया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एम स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या इसमें ए साइन एम एक्स, माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस हो जाएगा बी कॉस एम एक्स। तो ध्यान से देखिए ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, ये जो है ना ये प्रश्न है, प्रश्न इसके बराबर क्या है वाई है, शुरू में आप जाएंगे सबसे पहले जो प्रश्न है वो y बराबर ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स है तो इसके बदले आप y लिख सकते हैं। तो भी हो गया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एम स्क्वायर और ये सब y का मान है, अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई बराबर जीरो, ये क्या हो गया सिद्ध हो गया, नहीं सिद्ध करना था। चौथा सवाल है y बराबर e की घात ax sin bx, तो सिद्ध करना है y2 माइनस 2ay1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y बराबर जीरो। यहाँ भी देखिए आप क्या लिखा है y2 लिखा है, y2 लिखा है मतलब आपको दो बार अवकलन करना है, क्लियर है, अधिकतम को देखना है। तो इसको सबसे पहले प्रश्न को आपको समीकरण एक मान लेना है, हो जाएगा ये वाई बराबर ए की घात ए एक्स साइन बी एक्स, इसको आपको समीकरण एक मान लेना है, ये हो गया आपका समीकरण एक। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तभी हो जाएगा d by dx y, ये हो जाएगा d by dx e की घात ax sin bx। अब इसमें एक गुणनफल वाला है तो प्रथम फलन द्वितीय फलन आपको लगाना है, तो एक को एक मानना है और एक को दो मानना है, तो गुणनफल का है तो बता चुका हूँ गुणनफल में क्या होता है वन डी बाई डी एक्स टू प्लस टू डी बाई डी एक्स वन, इसमें रखना है तभी हो गया आपका डी वाई बाई। अब ध्यान देना है प्रश्न में इसमें सीधी कीजिए वाई वन वाई टू है तो डी वाई बाई डी एक्स को आप वाई वन लिख सकते हैं, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको क्या लिख सकते हैं वाई वन, तभी हो जाएगा आपका y1 बराबर e की घात ax d by dx sin bx plus sin bx d by dx e की घात ax, जिसके सामने d by dx है उसका अवकलन करना है तो ध्यान से देखिए इसका अवकलन होगा ये हो जाएगा आपका, फिर से bx को क्या मानना पड़ेगा आपको t मानना पड़ेगा तब ये हो गया e की घात ax। अब ध्यान से देखिए t मानेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, डायरेक्ट बनाना सीखिए साइन का क्या हो जाएगा कॉस
बी एक्स हो जाएगा, और बी एक्स का औकलन करेंगे तो सिर्फ बी बचेगा, क्लियर है, एक्स का औकलन एक हो जाएगा। बार बार मानना नहीं है, साइन बी एक्स को वैसे ही लिखना है, वैसे ही ई घात एक्स का ई की घात एक्स ही होगा, एक्स का औकलन फिर से करेंगे तो उसमें बचेगा ए। अब ध्यान से इसमें देखिए, साइन बी एक्स ई की घात एक्स, प्रश्न में क्या है, यहां पर देखिए ये जो साइन बी एक्स है ई की घात एक्स है, तो ये प्रश्न है इसके बराबर होता है वाई। तो समीकरण एक में आप देखेंगे, ये देखिए ई घात एक्स साइन बी एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, वाई, तो इसके बदले आपको वाई लिखना है, तब ये हो जाएगा आपका वाई वन बराबर ई की घात एक्स, ये है आपका ई की घात एक्स, बी को सामने में लिख दीजिए, कॉस बी एक्स, और ये है आपका ए वाई हो जाएगा, इसके बदले वाई लिखेंगे, प्लस ए वाई, कैसे हुआ, समीकरण एक से इसको लिखना है। अब इसको क्या करना है, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तब ये होगा पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई वन बराबर, देखिए बी तो बी को अलग कर देना है, इसमें देखिए फिर से आपको प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाना है, इसमें ई घात एक्स और कॉस बी एक्स में, तब वो क्या हो जाएगा आपका ई की घात एक्स डी बाई डी एक्स कॉस बी एक्स प्लस कॉस बी एक्स डी बाई डी एक्स ई की घात ए एक्स। अब ए वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए डी बाई डी एक्स वाई, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा वाई वन का औकलन वाई टू हो जाएगा। अब डायरेक्ट याद रखिए, अगर वाई वन का औकलन कर रहे हैं तो वाई टू, और वाई टू का औकलन कर रहे हैं तो वाई थ्री, तब ये हो जाएगा आपका वाई टू बराबर बी का बी ही रहेगा, यहाँ पर देखिए ई घात एक्स ही रहेगा। अब जैसे यहाँ पर कॉस बी एक्स है, ये कॉस बी एक्स है, इसका आपको औकलन करना है, तो कॉस का औकलन होता है माइनस साइन, फिर बी एक्स का औकलन करेंगे तो बी बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन बी एक्स, और बी एक्स का औकलन करेंगे सिर्फ बी बचेगा, वैसे ये प्लस कॉस बी एक्स को वैसे ही लिखना है, प्लस कॉस बी एक्स। अब ई की घात एक्स में आ जाइए, e की घात x का e की घात x ही होगा, लेकिन उसमें a क्या हो जाएगा, उसके सामने में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e की घात a x इंटू a, प्लस यहाँ पर देखिए a और y, y का औकलन y1 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा y का औकलन y1, ये हो जाएगा प्लस ए वाई वन, अब यहां पर देखिए आपका बी और बी का गुणा होगा, इस बी का गुणा आपको इसमें करना है, ये जो बी है इन दोनों के लिए, पहले तो देखिए जो e की घात x साइन बी एक्स, इसके बदले आप y लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण एक से इसके बदले आप y लिख सकते हैं, ये हो जाएगा y2 बराबर b और b का गुणा करेंगे तो b स्क्वायर होगा माइनस e घात x साइन बी एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं y,
और ये जो b है इसका गुणा इसमें भी होगा, क्योंकि देखिए बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा वाला कोष्टक, तो b का गुणा इसमें भी होगा, b का गुणा इसमें भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, b का गुणा इसमें गुणा होगा, तो ए बी ई की घात ए एक्स कॉस बी एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी ई की घात ए एक्स कॉस बी एक्स। इस b का गुणा दोनों अंदर में होगा। अब यहाँ से आगे में प्लस प्लस ए वाई वन है। अब आप समीकरण दो में देखिए, यहाँ पर हाँ यहाँ पर आप देखिए समीकरण ये वाला, ये जो है ना इसको आपको समीकरण दो मान लेना है। समीकरण क्या मान लेना है, दो। अब दो मानेंगे तो यहाँ पर ये जो देखिए b e की घात x cos bx, इसका मान निकालेंगे तो ay इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो y माइनस ay हो जाएगा। इसमें आपको बुद्धि लगाना है। तो ये b e की घात x cos bx का मान निकालेंगे तो ay इधर पक्षांतर होगा, तो y1 माइनस ay। अब देखिए इसका काम कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये वाला, यहाँ पर देखिए ये इतना को आप देखेंगे ये वाला, इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, y1 माइनस ए वाई। तो ये हो जाएगा आपका y2 बराबर माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए, कोष्टक में लिखेंगे y2 माइनस ए वाई, ऐसा आपको लिखना है, प्लस ए वाई वन, सॉरी ये y1 माइनस ए वाई होगा। y1 माइनस ए वाई। अब देखिए इस a का गुणा इन दोनों में हो जाएगा, तब ये हो गया y2 बराबर ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई फिर ये ए को गुणा वाई वन में होगा, तो ए वाई वन माइनस ए का गुणा ए वाई में होगा, तो माइनस ए स्क्वायर वाई फिर ये प्लस ए वाई वन। अब ये हो जाएगा वाई टू बराबर, देखिए स्क्वायर स्क्वायर को एक साथ करेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर को, तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा, माइनस वाई कॉमन निकलेगा, तो माइनस वाई कॉमन निकलेगा, तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ए वाई वन को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस टू ए वाई वन हो जाएगा, क्लियर है। अब इन सब को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा वाई टू, ये जो प्लस है इधर आएगा तो माइनस टू ए वाई वन हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y बराबर क्या हो जाएगा जीरो, और यही क्या करना है सिद्ध करना है। तो इस प्रकार क्या करना है, इसको सॉल्व करना है आपको, समीकरण एक समीकरण दो लिखते जाना है, और जहाँ पर उसका ज़रूरत पड़ेगा उसको इसमें ऐड करना है, तो ये बन जाएगा।